गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं और अशांत मणिपुर को शांत करने के लिए युद्ध स्तर पर अमित शाह डटे हुए हैं। कल उन्होंने अलग अलग समुदाय के लोगों से बातचीत की, उन्होंने राहत शिविर का दौरा भी किया। इसके अलावा आज इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी वो संबोधित करने वाले हैं। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें तेज हो गई हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। 3 मई से शुरू हुई हिंसा का दौर जारी है। कैसे सारे समुदायों को एक मंच पर लाया जाए, कैसे जो विवाद पैदा हुए हैं उनका समाधान निकाला जाए, इसे लेकर चिंतन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ निर्देश दिया है कि हिंसा को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। आज अमित शाह इम्फाल में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले कल उन्होंने मोरे और कांग पोकपिक क्षेत्रों का दौरा किया। वहां उन्होंने कुकी समुदाय के लोगों से बात की। शाह ने आश्वासन दिया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और चुरा चांदपुर, मोरे और कांग पोकपिक में आपातकालीन जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सुनिश्चित की जाएगी। शाह इम्फाल के एक राहत शिविर में भी गए, मैतई समुदाय और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। राज्य में शांति कैसे स्थापित हो, इस पर विचार विमर्श किया। शाह ने इम्फाल में शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा की बैठक भी की। कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी हिंसा, आगजनी और गोलाबारी में शामिल है उन पर कार्रवाई हो।